हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की और मेरे साथ है अभिषेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे SBI के मोस्ट रिलायबल फंड। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निक्की, हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग। तो जैसा कि निक्की ने बताया, आज हम लोग SBI के मोस्ट रिलायबल फंड्स के ऊपर में बात करेंगे और मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम लोग रिसर्च कैसे करते हैं, जिससे कि आप भी इस रिसर्च को खुद से करके फंड्स अच्छे हैं या खराब हैं ये खुद से आप पता कर सकते हैं। तो यस निक्की, सबसे पहला फंड कौन सा है? तो अभिषेक, शुरू करने से पहले सबसे मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इस, जैसे कि इस वीडियो का नाम रखा है मोस्ट रिलायबल SBI फंड्स, तो इसका नाम मोस्ट रिलायबल क्यों रखा है? जैसे हमारे लास्ट वीडियोस में आपने बेस्ट फंड्स हमेशा आप शो करते हो, बट इसमें आपने थंबनेल में भी मोस्ट रिलायबल दिया है, तो ऐसा क्यों? तो एक्चुअली मैंने इसे मोस्ट रिलायबल फंड्स इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये फंड्स, चाहे अगर आप रिटर्न्स की रैंकिंग में देखें 2 साल 3 साल में, ये रिटर्न्स के रैंकिंग में ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे तो ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल फंड्स है, काफी ज्यादा रिलायबल फंड्स है। पिछला 1 साल अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं भी किया फ्यूचर में भी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो 2 से 3 साल के टेन्योर में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जैसा अभिषेक ने हमें बोला है कि आज हम प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू देखेंगे, तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और हमारा आज का सबसे पहला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड, जो कि एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। तो अभिषेक, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड क्या होता है? तो एक्चुअली निक्की, वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि ऐसे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। मतलब क्या कि मान लेते हैं क्या कि एक पर्टिकुलर शेयर है, उसका एक्चुअल में दाम 100 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो 70 रुपये का अभी मार्केट में है, तो हो सकता है डाउन द लाइन 2-3 साल में वो वापिस से अपना एक्चुअल प्राइस पे चला जाए। तो ये जो फंड होते हैं कॉन्ट्रा फंड्स या वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स, तो ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में जब वो सही प्राइस पे चला जाता है तो इनके रिटर्न्स भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। इसलिए जो बेस लाइन है कोई भी वैल्यू ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करने का, वो बेस लाइन ये है क्या कि आप कोई भी वैल्यू ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करें कम से कम 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट नजरिया रखें। तो चलिए अभिषेक, बाकी की डिटेल्स हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। ओके निकी, तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि SBI कॉन्ट्रा फंड का यहाँ पे डिटेल्स ओपन हुआ है। तो सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है वो रिटर्न सेगमेंट होता है। तो रिटर्न सेगमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI कॉन्ट्रा का ग्राफ है जो कि ब्लू से है, और ये BSE 100 ट्राई के ग्राफ से अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे गैप देखता हुआ नजर आएगा, लेकिन BSE 100 TRI के ग्राफ से मैं इसे कंपेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले इसे निफ्टी 50 के ग्राफ से कंपेयर करूंगा। तो निफ्टी 50 का कोई भी एक फंड यहाँ पे आप ले लो, और दूसरा फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का आप यहाँ पे एक फंड ले लो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI कॉन्ट्रा का जो ग्राफ है वो डार्क ब्लू से है, SBI निफ्टी 50 का जो ग्राफ है वो पिंक से है, और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो ग्राफ है वो लाइट ग्रीन से है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले 3 साल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो SBI कॉन्ट्रा ने बस अप्रैल 22 तक थोड़ा सा इन कंपैरिजन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से इन कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिया था, लेकिन डाउन द लाइन रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में इसने काफी इस गैप को बढ़ा लिया है। तीनों फंड के बीच में निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 और SBI कॉन्ट्रा के बीच में काफी ज्यादा आपको यहाँ पे गैप दिखता हुआ नजर आएगा। इसी ग्राफ को अगर हम 5 साल के ऊपर में अगर हम लोग प्लॉट करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जुलाई 20 तक में ऑलमोस्ट इन लोगों का है ना सेम रिटर्न था, लेकिन धीरे धीरे जो SBI कॉन्ट्रा है इसने काफी अच्छा स्पीड पकड़ा है, और पिछले 5 साल में इसका ग्राफ बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के ग्राफ से काफी अच्छा निकल के आया है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर हम लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 12.58 है, जो कि अंडर 13 और 14 स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। बीटा भी 0.88 है, और मैं हमेशा आपको बताता हूँ क्या कि बीटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए, अल्फा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 10 के अप्रॉक्स है। तीसरा पॉइंट आता है पोर्टफोलियो पे, तो अगर हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आखिर ये म्यूचुअल फंड आगे जाके किन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जाइंट प्लस लार्ज को अगर आप ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 40+30-70% का जो इन्वेस्टमेंट है इनका लार्ज कैप में है, मिड कैप में भी अप्रॉक्स 24% का है, स्मॉल कैप में भी अप्रॉक्स 6% का है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं क्या कि ये जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड है ये आपका
लार्ज मिड कैप कैटेगरी में आता है, क्योंकि लार्ज कैप में भी इसका काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 92 स्टॉक्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। लेकिन 92 स्टॉक रखने से कोई फायदा नहीं है, आपको देखना है कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो टॉप 10 स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 26% का कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो स्टॉक्स में देखेंगे तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका HDFC बैंक में है, जो कि 5.33% का है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि और भी जो आप दूसरे फंड से अगर आप उनका इन्वेस्टमेंट देखोगे तो अगर आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखोगे उन फंड्स का, तो टॉप 10 स्टॉक्स में ही उनका 60-70% का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो चाहे आप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर ले, 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर ले, आपको देखना है कि टॉप 10 स्टॉक्स में और टॉप 5 स्टॉक्स में उनका क्या इन्वेस्टमेंट है। तो इस हिसाब से अभी तक जो हमने इसका पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स देखा है, काफी बैलेंस्ड फंड है, काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने हर स्टॉक्स में दे रखा है। अब बात करते हैं थर्ड चीज की, जो है अदर फैक्टर्स में, तो आप मिनिमम इसमें ₹500 से SIP शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अभी तक इन्होंने रिटर्न सिंस लॉन्च 17.84% का दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है टर्न ओवर रेशियो, जो कि 16% का है। यानी कि ये अपना जो पोर्टफोलियो है इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करते। एक्सपेंस रेशियो भी 0.58% का है। एसेट यहाँ पे आप कहोगे कि 41,000 का है, जो कि काफी ज्यादा है। तो मैं बता दूं कि 4-5 साल पहले तक, जब तक SIP फेमस नहीं था, उस समय 20-30 हजार का जो AUM था उसे काफी ज्यादा माना जाता था। लेकिन अब SIP इतना फेमस हो गया, सबको इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं कि अब 40-50 हजार का AUM भी अब नॉर्मल होने लगा है। 30 हजार तो अब हर म्यूचुअल फंड भी, अच्छे म्यूचुअल फंड का मिनिमम 30 हजार का AUM होता ही होता है। तो ये था हमारा सबसे पहला SBI कॉन्ट्रा फंड, और ये था हमारा एनालिसिस SBI कॉन्ट्रा फंड पे। तो दोस्तों हमारा दूसरा फंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान, जो कि एक ELSS टैक्स सेवर फंड है। तो टैक्स हम सभी को बचाना होता है, तो हमें ऑब्वियसली इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो अभिषेक, आप इसके बारे में हमें बता दीजिए। तो जैसा कि निकी आपने ऑलरेडी बता दिया कि एक ELSS फंड है, तो मैं इसके ऊपर मैं डायरेक्ट इसके पोर्टफोलियो पे चलता हूँ और पोर्टफोलियो का एग्रीगेट्स देखूंगा कि आखिर ये फंड आगे जाके किन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो 91% का इसका इक्विटी है, कैश है 8.89 का। अगर आप इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देखोगे तो जाइंट प्लस लार्ज यहाँ पर भी आपको अप्रोक्स 75% का आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मिड कैप में भी इनका काफी अच्छा एक्सपोजर है, 20% का है। स्मॉल कैप में भी अप्रोक्स 7% का है। तो अगेन SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि एक ELSS फंड है, इसको भी मैं लार्ज मिड कैप के कैटेगरी में रखूंगा। अदर्स जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं वो मोस्टली लार्ज कैप फंड्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो टैक्स सेवर फंड है इसको मैं लार्ज मिड कैप कैटेगरी। अगेन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो टोटल 58 स्टॉक्स हैं जिसमें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स बस 33% का इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन देखो तो टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन 60-70% का कभी नहीं होना चाहिए। अप टू 40-50% चलेगा, लेकिन अगर आपका 40 से कम है, अराउंड 30% है, तो वो बेस्ट है, क्योंकि तभी आपका एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका टॉप होल्डिंग्स देखोगे तो अगेन HDFC बैंक है, जिसका कि 6.6% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि अगर आप SBI कॉन्ट्रा फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ भी HDFC में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी यहाँ भी HDFC में इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे अब बात आता है क्या कि अगर आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आप टैक्स सेवर ELSS फंड SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या आप SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना सही है, क्योंकि दोनों में HDFC है, और हो सकता है क्या कि दोनों में और भी ओवरलैपिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसे जब भी कोई फंड्स लेते हैं तो हम लोग उसके लिए पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जरूर चेक करते हैं। तो मैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग आपको आप चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया फंड ओवरलैप, और एक्चुअली मैं fundo.com से चेक करता हूँ, लेकिन इसमें SBI के मोस्ट ऑफ द फंड्स नहीं मिलते, तो मैं एडवाइजर कोच के वेबसाइट पे जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ एडवाइजर कोच के वेबसाइट पे। आप यहाँ पे इक्विटी में आप यहाँ पे ऑल कर देना, और सबसे पहला फंड जो है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड, तो मैंने यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड डाल दिया है। सेकेंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म इक्विटी, अब मैं यहाँ पे इसे सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे अब इसका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे आप इसका रिजल्ट में देख सकते हैं क्या कि अप्रॉक्स 48% का यहाँ पे ओवरलैपिंग है, और इसका आप नीचे देखोगे कि दोनों में 39 स्टॉक्स कॉमन है। तो लॉन्ग टर्म में जो SBI का टैक्स सेवर फंड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो 58 फंड्स तो इसके अंदर में ही है,
उसमें से 39 स्टॉक्स तो कॉमन है, और यहाँ पे कॉमन फंड्स दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप होल्डिंग वाइज यहाँ पे जब इसको नीचे देखोगे तो कॉमन शेयर्स का जो पोर्टफोलियो है SBI कॉन्ट्रा में 50% का है, और ELSS टैक्स सेवर वाला जो फंड है लॉन्ग टर्म इक्विटी उसमें 71.56% का है। तो काफी ज्यादा इनका ओवरलैप बन रहा है, इसलिए इससे हम लोगों को एक बात निकल के आती है क्या कि अगर आप कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टेड हो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो, अगर दोनों में इन्वेस्टेड हो तो आपका ओवरलैप काफी ज्यादा निकल के आएगा। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट मत करो, कॉन्ट्रा में हो तो आप लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट नहीं करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो ओवरलैप भी चेक कर सकते हैं। अब वापिस से हम लोग इसके मेन स्क्रीन पे आते हैं, इसके रिटर्न्स पे जाते हैं, और इसका ग्राफ को हम लोग वन ऑफ द फेमस आप ले लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, नहीं पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड जो है उससे इसको कंपेयर करते हैं। दिस इज टैक्स सेवर फंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पराग पारिक का ELSS टैक्स सेवर फंड है वो पिंक कलर में है, और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी ब्लू कलर में है। और इसको मैं अगर 3 साल के रिटर्न्स पे इसको अगर प्लॉट करूं तो आप यहाँ तक देख सकते हैं क्या कि नवंबर 2023 तक पराग पारिक टैक्सी कैप ELSS टैक्स सेवर फंड पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था SBI के टैक्स सेवर फंड से, लेकिन नवंबर के बाद में इसने जो यहाँ पे गैप होना शुरू हुआ है वो काफी ज्यादा बढ़ते गया है। यानी कि पिछले एक साल में SBI का टैक्स सेवर फंड पराग पारिक के टैक्स सेवर फंड को बीट कर रहा है और काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसी तरीके से आप है ना डिफरेंट टाइप के फंड्स को अपने यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अगर आप दो टैक्स सेवर फंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के साथ में इसका एक बार ओवरलैप चेक करके देखता हूँ क्या कि दोनों में क्या ओवरलैप है, तब मैं आपको एक डिसीजन भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि दोनों का जो ओवरलैप है वो सिर्फ 22% का है, जो कि काफी अच्छा है। इसलिए अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, 5,000 रुपए का अगर आपका पोर्टफोलियो में आपको टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करना है तो 5,000 में आप ऐसा कर सकते हैं कि 2,500 का पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर ले लो और 2,500 का SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर दो, तो आपके दो टैक्स सेवर चलेंगे। और यहाँ पे जैसा कि हमने रिटर्न्स में ग्राफ भी देखा है ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मेरा यही राय रहेगा कि अगर आप टैक्स सेवर में कर रहे हो तो दोनों में 50-50% आप डिवाइड कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। ओके अभिषेक, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ जो कि है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ओके, तो वापिस से मैं वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पे जाता हूँ, इस रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में काफी डिफरेंस होता है क्या कि चलो मैं एक चीज और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताता हूँ। डायरेक्ट प्लान का अगर आप अदर्स पे जाओगे तो डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस है 0.7% का है, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे रेगुलर प्लान कर देता हूँ, ठीक है, और इसका एक्सपेंस रेशियो चेक करते हैं, 1.6% का है। यानी क्या कि डायरेक्ट प्लान का जो आपका एक्सपेंस रेशियो था वो 0.7% था और रेगुलर का 1.6% है, यानी कि आपका 0.9% का आपको यहाँ पे लॉस होगा अगर आप रेगुलर प्लान के साथ में जाओगे। तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बीच बीच में शेयर करता रहूंगा जिससे कि आप बोर ना हो, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रेगुलर प्लान के साथ में मत जाइए। ये 0.9% डाउन द लाइन 10 साल 15 साल के इन्वेस्टमेंट के टेन्योर में ये 1% 0.9% काफी ज्यादा मायने रखता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लान के साथ में जाता हूँ। डायरेक्ट प्लान में वापिस से जैसा कि ये कह रहा है कि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो इसके पोर्टफोलियो में हम लोग जाएंगे। अगेन इसका अब यहाँ पे है ना हम लोगों को देखना है क्या कि इसकी कैटेगरीज के अगेंस्ट में इसने कैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर जॉइंट और लार्ज का हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अप्रॉक्स 64% का इन्वेस्टमेंट है कैटेगरी एवरेज, और लेकिन अगर हम लोग इसका चेक करेंगे SBI का लार्ज एंड मिड कैप तो अप्रॉक्स 55% का इन्वेस्टमेंट है, और मिड कैप में इसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 37% का है, कैटेगरी एवरेज आपका 32% का है। स्मॉल कैप का आप देख सकते हैं ये भी 1% ज्यादा है अपने कैटेगरी से। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख लो 83 स्टॉक्स है जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स अगेन बहुत अच्छे हैं, 31% का ही है टॉप 10 स्टॉक्स। और ये तीनों फंड जो भी मैंने आपको सेलेक्ट करके बताया है इस तीनों फंड का आप कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, टॉप 10 स्टॉक्स अप्रॉक्स 32-35% के बीच में है। आप यहाँ भी अगर चेक करोगे SBI कॉन्ट्रा इसका तो 26% का ही सिर्फ टॉप 10 है, तो ये काफी ज्यादा फैक्टर करता है आपके फंड का, क्योंकि फंड आगे जाकर के तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग रिटर्न्स क्यों चेक करें, हम लोग डायरेक्ट उसके स्टॉक्स क्यों नहीं चेक करें।
तो इसका स्टॉक्स भी अगर आप देखोगे तो अगेन SBI लार्ज एंड मिड कैप में, आपका HDFC में इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है, जो कि कॉन्ट्रा फंड में भी है, HDFC में है, रिलायंस में है। तो चलो एक बार कॉन्ट्रा फंड को SBI लार्ज एंड मिड कैप से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप को SBI कॉन्ट्रा से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, देखते हैं दोनों में कितना ओवरलैप निकल के आता है। तो आप दोनों का ओवरलैप ज्यादा नहीं है, 35% है, विद इन रेंज है। तो 30-40% का अगर आपका ओवरलैप है तो इट्स नॉट एन इशू। तो चलिए अब इसके रिस्क फैक्टर के ऊपर में ध्यान देते हैं। तो रिस्क फैक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 12.69% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपका लार्ज मिड कैप कैटेगरी का फंड है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 13 से कम है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका जो कैटेगरी एवरेज है वो 13.76 का है, जो कि ज्यादा है, जो कि 13 से ज्यादा का है। और लार्ज एंड मिड कैप का फंड है तो इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा होता है, स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा होता है, उसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। बीटा भी काफी अच्छा है, 0.88 का है। अल्फा भी ओके, 4.56 का है। AUM भी जो है वो भी 30,000 से कम का है, जो कि काफी अच्छा है। मिनिमम आप 500 रुपए से इसमें SIP शुरू कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा आता है रिटर्न्स का, तो रिटर्न्स पे चलते हैं, देखते हैं। तो रिटर्न्स में अभी जो सबसे फेमस चल रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल। तो मैं मोतीलाल ओसवाल से इसको कंपेयर करके देखता हूँ। तो पिछले एक साल में आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है मोतीलाल ओसवाल ने इससे काफी अच्छा रिटर्न दिया है SBI लार्ज से। तो पिछले एक साल में अगर आप देखें तो SBI लार्ज ने 33% का रिटर्न दिया है और मोतीलाल ने 56% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। तो मोतीलाल वैसे भी काफी अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं। मोतीलाल के साथ में एक प्रॉब्लम हमेशा मैंने देखा है कि वो 1-2 साल परफॉर्म करता है, 2-3 साल परफॉर्म करता है, उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस चौपट हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसको 5 साल के ऊपर में इस ग्राफ को चेक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि नवंबर 2020 के आसपास में दोनों फंड का जो रिटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा था, 6.24 SBI लार्ज का था, मोतीलाल का 6.85 था। उसके बाद में टिल जून 2023 यानी कि पिछले साल तक ही आप देखो, SBI लार्ज का जो था 19% का था, 19.7%, मोतीलाल का था 19.3%। तो ये 3 साल में मोस्टली मोतीलाल ओसवाल हमेशा अंडर परफॉर्म किया है SBI लार्ज से, लेकिन जून के बाद में, पिछले साल जून के बाद में इसने स्पीड अप लिया है मोतीलाल ने, तब जाके इसने अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा गया कि मोस्ट रिलायबल फंड्स है, तो लॉन्ग टर्म में आप इसका ग्राफ देख सकते हो, मोतीलाल से अच्छा इसका मुझे यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो अगेन अगर आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मिड कैप में, मिड एंड लार्ज कैप में, तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोनों में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो एक बार इसका पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल दोनों में आप कर सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग इस पोर्टफोलियो ओवरलैप से पता कर सकते हैं। तो दोनों में बस 5.76 का ओवरलैप है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि SBI में इन्वेस्ट करें कि मोतीलाल में इन्वेस्ट करें, दोनों में 50-50% कर दो। तो ये तो हो गए 3 SBI के फंड्स, लेकिन 2 ऐसे फंड्स है जो कि मोस्ट रिलायबल है, उसके बारे में निकी सबसे पहले फंड के साथ में शुरू करेंगी। तो निकी सबसे पहला रिलायबल फंड जो कि अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वो रिलायबिलिटी जोन में सबसे ऊपर आता है, तो उस फंड का नाम बताएं प्लीज। तो अभिषेक, उस फंड का नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। ओके, तो ये सबसे ज्यादा आपको रिलायबल क्यों लगता है? अगर हम लोग वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे भी अगर इसका डायरेक्ट रैंकिंग देखें तो इसका बस 2 स्टार का रेटिंग है। तो आखिर आपको ये मोस्ट रिलायबल क्यों नजर आता है? तो अभिषेक, ये फंड मुझे इतना ज्यादा रिलायबल इस फंड के मैनेजर की वजह से लगता है, जो कि है आर श्रीनिवासन, जो कि बहुत ही जाना माना नाम। राइट निकी, तो इसलिए मैंने भी पहले भी अपने व्यूअर्स को बता रखा है क्या कि आर श्रीनिवासन का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। ये आज से नहीं, ये सन 2005-06 से इस पर्टिकुलर फील्ड में है। और अगर आप SBI फोकस में इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें। आप ये ना देखिए क्या कि यहाँ पे इसको वैल्यू रिसर्च ने 2 स्टार दिया है, ग्रो ने 2 स्टार दिया है। नहीं, इसके जो फंड मैनेजर हैं असली खेल वो करते हैं, असली नॉलेज उनके पास में है। और मैं अपने डिजाइनर को अपना खुद का इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट इस फंड में पिछले 6-7 साल से है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा। तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसमें SIP कंटिन्यू रखता हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी ये 2 स्टार का है, ठीक है, इसकी NAV अच्छे से नहीं बढ़ रही है। इसका रिटर्न भी आप देख सकते हो पिछले 3 साल में 10.86% का है।
लेकिन यही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। जब ये भागना शुरू कर देगा तो ये वैल्यू रिसर्च वाले इसे 2 से 5 स्टार में चेंज कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न 10 के बदले आपको 20% का दिखने लगेगा, तब जाकर के आप इन्वेस्ट करोगे तो फायदा क्या हुआ? इन्वेस्ट तो अभी करना है ना। एज ए एग्जाम्पल आप समझ लोगे कि ये एक ऐसा अंडर वैल्यूड शेयर है जो कि अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अभी आप शेयर खरीद लो ना, अभी शेयर खरीद लो, जब ये भागेगा तब आपको रिटर्न मिलेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग उसी फंड के पीछे भागते हैं जो कि अभी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा हो, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भाई वो तो रिटर्न उसने अच्छा दे दिया, अब तो उसकी एनएवी भाग गई, अब उसमें इन्वेस्ट करके क्या फायदा है? जब वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तभी आप उसको उसमें इन्वेस्ट करो ना, कि कम एनएवी पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिले, यानी कि कम पैसे पे आपको ज्यादा शेयर्स उसके मिले। परफॉर्म करेगा आपका रिटर्न भी अच्छा हो जाएगा। तो इस लेकिन इतना सब चीज करने के लिए एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि SBI फोकस में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो प्लीज कंटिन्यू रखो। काफी अच्छा फंड है, इसके मैनेजर काफी अच्छे हैं, काफी इनका नाम है, रुतवा है, और ये जिस समय भी मैं बता दे रहा हूँ, ये अगर परफॉर्म करना शुरू कर देगा उस समय आप लोगों के हाथ में नहीं आने वाला, और हर यूट्यूबर आपको कहेगा कि जाओ जाओ SBI फोकस में आप इन्वेस्ट करो, उस समय इन्वेस्ट करके आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और लास्ट फंड जो कि इस हमारे SBI के मोस्ट रिलायबल में आता है वो है SBI स्मॉल कैप फंड। तो SBI स्मॉल कैप फंड को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू रिसर्च ने सिर्फ 3 स्टार दिया है। डायरेक्ट पेन अगर हम ओपन करेंगे, और ये मुझे क्यों रिलायबल लगता है, अगेन मैं इसके अदर्स पे जाऊंगा और यहाँ पे आपको इसके फंड मैनेजर का नाम दिखाऊंगा जो कि अगेन आर श्रीनिवास, अगेन आर श्रीनिवास ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फंड मैनेजर, ये कभी लाइमलाइट में नहीं रहते, इनके ऊपर में कभी कोई स्कैम नहीं आया है, इनका जो इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है वो होल्ड का है, ठीक है। अगर आप इसके अदर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जाओगे तो इसका टर्नओवर रेशियो स्मॉल कैप का सिर्फ 13% है। ये अपने पोर्टफोलियो में चेंज करते ही नहीं, ये जो फंड मैनेजर है। आप फोकस इक्विटी में भी अगर आप जाओगे अदर्स इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर भी सिर्फ 28% का है। इनकी जो मेथोडोलॉजी है इन्वेस्टमेंट की, आर श्रीनिवासन की है, वो है बाय एंड होल्ड, कि आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, होल्ड करो, तब आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। उसके दो फंड है SBI फोकस, SBI स्मॉल, ये दोनों काफी अच्छे लगते हैं, काफी रिलायबल है इनके फंड मैनेजर के कारण। ओके अभिषेक, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम फिर भी व्यूअर्स के साथ में अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे, चाहे वीडियो लंबा हो या लाइक्स मिले या ना मिले, बट स्टिल हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे अपनी। ओके ग्रेट, तो दोस्तों आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।